ये इसका स्कोरिंग के लिए, और ये इसके डिफरेंट साइज हैं क्योंकि डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं इसमें, ना सिर्फ स्नूकर, और भी इसमें गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं, 8 बॉल हो गया। खैर हम ये यूज़ करेंगे।
कहते हैं ये होगा सेंटर में फॉल्ट वाइट, हाँ वाइट होगा। अगर जाएगा तो
उम्मीद है आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये साइज़ है इसका, देख सकते हैं आप, 6 फुट इसका वैसे साइज़ है, और प्लेइंग के लिहाज से भी आपने देख लिया है, रनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, बॉल कहीं पे रुकता नहीं है, कहीं पे बाउंस नहीं होता कोई, नहीं बिल्कुल फ्लैट है, सही इसका बैलेंस है, अगर इसको आप देखें काफ़ी मज़बूत है, और एक दफ़ा इसको अगर आप, अगर प्लेन सरफेस है यानी कि अगर बैलेंस सरफेस है तो बॉल कहीं पे रेड़ते नहीं है, कहीं पे नहीं के कोई स्वर्ल नहीं होते, अगर आप इसको जब तक इसको खुद से स्पिन ना कराएं, और नहीं तो अक्सर इस तरह बोर्ड गेम्स में सबसे बड़ा मसला आता है जैसे कैरम बोर्ड वगैरह में कीटियाँ वगैरह जो है वो हिल रही होती हैं खुद से ही, ये शुक्र है इसके अंदर के बैलेंस्ड यानी कि सरफेस है इसकी, और मेरे ख्याल में एक अच्छी टाइम पास है घर में अगर आपके पास है, खास तौर पे विंटर्स में इंडोर बहुत अच्छा है, एक शुगल है, बड़ी क्यू के साथ भी इसका उतना ही मज़ा है, छोटी क्यू में भी यानी कि थोड़ा सा उसमें इशू आता है कि स्पिन वगैरह कराने में, लेकिन प्रॉपर क्यू के साथ अगर आप इसको खेलें तो बड़ा प्रॉपर यानी कि आप स्नूकर का मज़ा ले सकते हैं, कुछ लोगों को शायद ये हो कि बड़ी स्टिक के साथ खेला जा सकता है यानी कि खेला जा सकता है, जैसे कि आपने देखा बड़ी प्रॉपर स्नूकर जो ऑफिशियल स्नूकर साइज़ जो स्टिक है उसके साथ भी आप खेल सकते हैं, और स्पिन वगैरह स्नूकर हर चीज़ इसकी यानी कि सही है, बॉल छोटे हैं लेकिन आप यानी कि कोई इशू नहीं आएगा उसमें। खैर ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।